शहरपुर में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा ग्राम सुल्तानपुर प्रसाद में बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाने को लेकर उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर प्रसाद में विद्युत आपूर्ति सही करवाने को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी प्रहलाद कुमार को प्रार्थना पत्र देकर यह बताया है, गाँव में कनेक्शन के हिसाब से 25 KV की जगह पर बड़ा ट्रांसफार्मर रखा जाए। गाँव में 10 दिन से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, जिसे 2 दिन पहले बदला भी गया था। जो ट्रांसफार्मर कर्मचारी रखते हैं उन्हीं के आगे फूक जाता है। ग्रामीणों ने गांव में बड़ा ट्रांसफार्मर व गांव की जर्जर लाइनों को बदलवाने और 11,000 लाइन से 3 तार ट्रांसफार्मर तक खिंचवाने की मांग की है। गांव की लाइनें खेतों से होकर निकली हैं, जिससे गांव के पश्चिम से सड़क के किनारे तक जोड़ा जाए। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा जाता है, अधिक लोड होने के कारण वो तुरंत ही बिजली विभाग के कर्मचारियों के आगे ही सूख जाता है और ये लोग वापस चले आते हैं, बाद में दोबारा ट्रांसफार्मर रखने की जरूरत ही नहीं समझते। किस गांव का मामला है ये? सुल्तानपुर हरि प्रसाद का मामला है। है क्या किसी? हाँ, एक महीना पहले हम लोग आए थे तो हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी फाइल भेज दी गई है, आते ही आपके वहाँ जो है काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। फिलहाल आश्वासन ही मिलता है? हाँ, हर बार आश्वासन ही मिलता है। उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृत होने पर तुरंत रखवा दिया जाएगा और प्राथमिकता पे काम करवाया जा रहा है।